हाई स्टूडेंट वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इजी बायोलॉजी दिस इज वैन एंड टूडे अवर टॉपिक इज ए सर वाई जीन और कंपेरिजन ऑफ सिक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड ड्रेसोपेला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम एक्स रेशो ए को किस तरह फाइन करें तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि ये पूरी वीडियो देख लें सो इन टूडे लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ए जीन एस आर वाई प्रोटीन एंड कंपेरिजन ऑफ सिक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड ड्रोसोपेला सो द फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस अबाउट एस आर वाई जीन एस आर वाई स्टैंड फॉर सेक्स डिटर्मिन रीजन ऑफ वाई क्रोमोजोम एस आर वाई जीन ये वाई क्रोमोजोम ऑफ ह्यूमन के ऊपर प्रेजेंट हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि जो ये सरवाई जीन रहती है ड्रोसोपिला के वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता मीन दैट कि ड्रोसोपिला में ये एबसेंट है और ह्यूमन में या मेल्स में ये प्रेजेंट है अब इसका फंक्शन क्या है तो इसका फंक्शन है कि मतलब ये इन्वॉल्व है मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट में कि रिप्रेजेंट करता है सिंपली देट कि रिप्रेजेंट कर देता है मेल्स के करेक्टर्स को अब कैसे इस सरवाई जीन रिप्रजेंट करते हैं किसी मेल को या किसी मेल uh, करेक्टर्स को तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस में सबसे पहले हम कहते हैं कि ए जीन है ए सर्वाई जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बनता है ए सारवाई मैसेंजर आर एने मैसेंजर आर ने जब साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो उसका ट्रांसलेशन होता है ट्रांसलेशन मीन कैसे प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन कौन से बनेंगे सर्वाइव प्रोटीन बनेगा जिसको हम कहते हैं टेस्टी डिटर्मिन फैक्टर टी डी एफ भी कहते हैं या सिंपली हम इसको कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो प्रोटीन होते हैं जो किसी दूसरे जीन के ऊपर जाकर एक्ट करता है उसको टर्न ऑन करते है ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो बन जाए तो ए सरवाइव प्रोटीन क्या करेगा ये एक्ट करेगा एस ओ एक्स नाइन जीन के ऊपर एक्ट करेगा उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा मैसेंजर आर एन ए बनेगा मैसेंजर आर एन ए के बाद ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन पर एक्ट करेगा एनदर जीन एफ जी एफ़ नाइन के ऊपर एफ जी एफ नाइन के ऊपर जो प्रोटीन बनेगा इसका तो वो प्रोटीन हेल्प करेगा इनफार्मेशन ऑफ टेस्टिस कॉर्ड्स मीन दैट कि यहाँ पर ये जो प्रोटीन है तो ये एक स्टेप रखता है टेस्टिस फॉर्मेशन का कि मतलब जो टेस्टिस कॉर्ड्स कौर, बन जाते हैं वो बाद में सेमिनिपेरिस्टिबुल्स में बन जाते हैं सेमिनोपेरिस्टिबुल्स के अंदर फिर पेरस्पम बनते हैं और टेस्टिस्टर हारमोन वगैरह का प्रोडक्शन होता है तो मीन दैट कि ये टेस्टिस कॉर्ड जो है ये बाद में कन्वर्ट होते हैं टेस्टीज के अंदर और ये जो सरवाइजीन इस है इसका इफेक्ट मतलब कि ये होता है सिक्स टू एट वीक आफ्टर फिटस फार्मेशन ताकि वो मेल करेक्टर को रिप्रेजेंट करे या इसको प्रमोट करे तो ये पूरा प्रोसेस था इस का कि सर्वाइजीन का वो कैसे रिप्रेजेंट करता है मेल करेक्टर को या मेल को अब आते हैं हम कंपेरिजन ऑफ सिक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड रोसोपेला जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ह्यूमन एंड ड्रोसोपेला इसका कंपैरिजन हम करते हैं सबसे पहले ह्यूमन की अगर हम बात करें तो इसमें सिक्स दो सेक्स मेल एंड फीमेल की हम बात करते हैं यूजुअली तो मेल रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स वाई से और फीमेल को एक्स एक्स से जबकि ड्रोसफिला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बात माइंड में रख ले कि ड्रोसिफेला के अंदर हम कहते हैं कि फोर होमोलोगस्पियर ऑफ क्रोमोजोम है तो इसका मतलब है कि टोटल एट क्रोमोजोम है क्योंकि फोर इसमें होमोलोगस्पेयर है तो टोटल क्रोमोजोम एड बन गया लेकिन इस फोर इस पेयर्स में से एक पेयर जो है तो वो सिक्स क्रोमोजोम है वो कोई भी हो सकता है एक्स वाई या एक्स एक्स एक इसमें बिल्कुल स्माल साइज आप माइक्रोजोम का सेट है ऑटोसोम का जिसको अक्सर हम इग्नोर करते हैं बाकी रहिए टू सेट ऑफ क्रोमोज़ोम टू सेट ऑफ आटोसोम एंड्रोसोपेला जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अक्सर रेशो में इसको मेंशन करते हैं अच्छा अब ड्रोसोपेला में मेल और फीमेल की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से और फीमेल को एक्स एक्स से हैं। अब यहाँ पर बात ह्यूमन ड्रोसोपेला में बिल्कुल सेम है इसके मेल और फीमेल दोनों के सेम है सेक्स डिटर्मिनेशन में अब डिफरेंस कहाँ पे तो डिफरेंस है मेल ह्यूमन और डोसोपेला के अंदर यहाँ पर इस टेबल में देखिए कि स्पीशीज है ड्रोसोपेला और ह्यूमन का तो सबसे पहले के एक्स एक्स का अगर हम देखते हैं तो ड्रोसोपेला में हम कहते हैं कि ये फीमेल है ह्यूमन में हम कहते हैं कि ये फीमेल है मतलब सेम बात अब दूसरा कंडीशन एक्स वाई अगर आ जाए तो ड्रोसोपेला में बी मेल है और ह्यूमन के अंदर भी यही मेल कंसिडर किया जाता है अब अगर कोई ये तो नॉर्मल कंडीशन है अगर इससे हटकर कोई नॉर्मल कंडीशन सामने आ जाए जिस तरह है एक्स ओ तो डरूसो पहला में हम कहते हैं कि ये क्या है मेल जिसको हम कहते हैं स्टीराइल मेल जबकि ह्यूमन के अंदर हम कहते हैं ये फीमेल है स्टीराइल फीमेल एक और नॉर्मल कंडीशन है एक्स एक्स वाई तो डरूसो पहला में हम कहते हैं कि ये फर्टाइल फ़ीमेल है जबकि ह्यूमन में अगर हम इसको कंसिडर करते हैं मेल लेकिन वो स्टीराइल अब यहाँ पर x o और x x y की कंडीशन में ड्रोपेला और ह्यूमन में डिफरेंस आ जाता है तो ये डिफरेंस किस वजह से है इसके कुछ रीजंस हैं तो रीज़न में सबसे पहले हम कहते हैं, जीन हैं है कि नो सर्वाइजीन एंड डोपेला जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि रूसोपेला में सर्वाइजीन नहीं है तो भी ये डिफरेंस आते हैं और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आटोसोम आल्सो इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन कि ड्रोसोपेल के अंदर सेक्स क्रमोजोम के साथ साथ ऑटोसोम भी इन्वाल्व होते हैं सिक्स डिटर्मिनेशन में जबकि ह्यूमन में सिर्फ हम कहते हैं कि एक्स और वाई सिक्स क्रोमोजोम है यूजुअली हम वाई को कंसीडर करते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है किसी मेल करेक्टर को या सिक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है जबकि डोसो में सिक्स क्रोमोजोम के साथ साथ ऑटोसोम भी इन्वॉल्व होते हैं अब यहाँ पर जो ऑटोसोम और सिक्स क्रोमोसोम है तो इसके दरमियान एक रेशो पाए जाते हैं और उस रेशो से हम डिटेक्ट करते हैं कि ये मेल है या फीमेल वो रेशो क्या है कि अगर ये रेशो एक्स रेशो ए जो है कि सिक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम के दरमियान जो रेशो है वो वन आर ग्रेटर है तो वो क्या होगा वो फीमेल कंसिडर करेंगे अगर ये रेशो जीरो पॉइंट फाइव आर लेस है तो इसको कंसिडर करेंगे मेल ये टू पॉइंट्स हैं वन आर ग्रेटर ज़ीरो पॉइंट फाइव आर लेस अब यहाँ पर आटोसोम इक्वल टू एक्वल टू टू इसका मतलब क्या है जैसे कि ऊपर टेबल में दिया गया है कोई कंडीशन ऑटोसोम का नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि रोसोपेला के अंदर आर्टोसोम को हम टू जो है वो कंसिडर करेंगे तो मतलब जब नॉर्मल कंडीशन आप डोसोपिला बात करोगे तो जहाँ पर भी ऑटोसोम की बात आएंगे तो आप एक्ल टू टू लगाओगे ये नॉर्मल कंडीशन की मैं बात करूँ जब तक मेंशन ना हुआ हो कि इतने ऑटोसोम हैं जब मेंशन ना हो तो एक्ल टू टू लगाने और सिक्स क्रोमोजोम वन भी लगा सकते हो टू भी लगा सकते हो थ्री भी वो वेरिएबल हो अभी एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ अब आते हैं हम एग्ज़ाम्पल की तरफ तो एग्जाम्पल में सबसे पहले जो कंडीशन है एक्स एक्स है तो एक्स एक्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने तो एक्स यहाँ पर मौजूद है तो एक्स इक्ल टू तो टू लाजी बात है टू एक्स मौजूद है तो एक्स इक्ल टू तो टू आ गया एंड एक्ल टू टू करोगे हमेशा मैंने आपको बोला कि आटोसोम हमेशा एक्ल टू टू एंड सो पिला ठीक है अब एक्स रेशो एक किया गया हमारे पास तो एक्स की जगह टू लगा दो एस उसकी जगह भी टू लगा दो जब इसको सिम्प्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा वन रेशो वन वन का मतलब क्या है one one हम करेंगे है जिस है? कि वन आर ग्रेटर आ जाए तो वो फीमेल है अब दूसरे दूसरा जो है एक्स वाई तो एक्स वाई में यहां पर एक्स कितने वाई को यहां पर इग्नोर करोगे जो से केस में जब सेक्स डिटर्मिनेशन फाइंड करोगे तो वाई कितने भी साथ आए कि एक्स वाई है एक्स डबल वाई एक्स वाई, वाई 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 मतलब ट्रिपल वाई जितने भी वाई है उसको इग्नोर करो सिर्फ आपने देखना है एक्स को और आठोसोम को तो यहाँ पर एक्स कितने है एक्स इक्ल टू वन एंड ए कितना है वही आपने लिखना है कि ए इक्वल टू टू लिखना है अब इसका रेशो फाइंड करो तो एक्स रेशो ए आ गया तो वन रेशो टू जैसे आता है ज़ीरो पॉइंट फाइव अब राइट साइड देखो तो ज़ीरो पॉइंट फाइव में आर लेस हो तो वो क्या होगा मेल तो हमारे पास आ जाता है मेल ऊपर टेबल के साथ कंपेयर करो तो भी ये मेल है अब थर्ड वन की तरफ आते तो थर्ड में देखो एक्स ओ ओ मैटर नहीं करता इग्नोर करो एक्स कितना है वन वन लिखा अल्ट्रोसाउंड कितना वही टू लिखोगे अब इसका रेशो करो एक्स रेशो वन वन रेशो टू आ गया फिर जीरो पॉइंट फाइव आ गया तो फिर ये यहाँ पर कंसिडर होगा मेल फोर्थ का सेम यही प्रोसेस है यहाँ पर एक्स एक्स वाई है अब यहाँ पर एक्स एक्स वाई है तो एक्स हमारे पास कितने आ गए टू आ गए और आटोसोम हमने वही पुट करना है टू क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है यहाँ पर एक्स रेशो ए तो हमारे पास आ जाता है टू रेशो टू क्योंकि सिंप्लीफाई कर तो वन रेशो वन तो वही बात आ गई कि वन आर ग्रेटर से तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल के साथ <coughs> अब इस टेबल से के एग्जाम्पल में देता हूँ कि एक्स वाई वाई अब यहाँ पर क्या करेंगे हम इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है अब यहाँ पर एक्स कितने हैं वन क्योंकि वाई वाई को इग्नोर करो और a कितना है ए वही आपने नॉर्मली टू लिखना है ठीक है अब इसको सिंपलीफाई करो तो एक्स रेशो ए तो वन रेशो टू आ गया वन रेशो टू को करो तो जीरो पॉइंट फाइव तो ज़ीरो पॉइंट फाइव आ जाते हैं तो ये क्या होगा मेल अब <coughs> यहां पर एक और एग्जांपल है कि एक्स एक्स वाई रेशो ए ए ए अब यहां पर देखो कि आटोसोम का कंडीशन चेंज किया हुआ है ठीक है और यहां पर एक्स सिक्स क्रोमोसोम का डबल एक्स वाई है तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे जब तक क्वेश्चन में एम सी क्यूज में आटोसोम मैंशन करे कि इतने आटोसोम है तो फिर आपने टू नहीं लगाना फिर आपने उस आटोसोम के हिसाब से वो रेशो लगाना है अब इसी एग्जाम्पल को देखें ज़रा कि एग्जाम्पल है डबल एक्स वाई अब इसमें से सिक्स क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम कितने हैं वो टू है क्योंकि वाई को आपने इग्नोर करना है तो एक्स इक्वल टू टू एंड ए इक्वल टू थ्री यहाँ पर मैं टू अब नहीं लगाऊंगा क्योंकि ए इक्वल टू टू नॉर्मल कंडीशन है लेकिन जब मेंशन हुआ जिस तरह यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि ए थ्री के बराबर है तो आपने x रेशो a इस तरह करना है कि x की जगह टू और a की जगह थ्री क्योंकि क्वेश्चन में थ्री एम एन के तो आपने थ्री लगाना है अब इसे आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स अब आंसर देखो अब आंसर आपके पास ना वन आर ग्रेटर में है ना ज़ीरो पॉइंट फाइव आर लेस में क्योंकि दो कंडीशन है हमारे पास वन आर ग्रेटर वो फीमेल है तो जीरो पॉइंट सिक्स तो वन नहीं है जीरो पॉइंट फाइव आर लेस तो जीरो पॉइंट फाइव मतलब क्या होगा इसका रिजल्ट हम कहेंगे कि ये एन बिटवीन है मतलब इंटर सिक्स है इसमें दोनों सिक्स पाए जा सकते हैं अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि जिस तरह एक्स एक्स है और रटोसोम काम मैंने दिया है थ्री कि मतलब वन टू थ्री थ्री ए यहाँ पर बताए तो इसको सॉल्व करोगे वही जो रूल्स है वो फॉलो करके इसको सॉल्व करना है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करके रिज़ल्ट फाइंड आउट करो कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा मेल आएगा फीमेल आएगा या इंटर होगा ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो